संसद में मांग की कि जो कश्मीर फाइल पिक्चर है, इस पिक्चर को बिहार में टैक्स फ्री किया जाए, क्योंकि हम पिक्चर कश्मीर के सच को बताता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूं असीम। द कश्मीर फाइल्स मूवी को लेकर के अब बिहार में भी आवाज उठने लगी है सदन के अंदर कि टैक्स फ्री कर देना चाहिए। बिहार विधान परिषद के सदस्य बीजेपी के कद्दावर नेता संजय मयूख ने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि यह जो फिल्म है वो कश्मीर की सच्चाई बताती है, बिहार की जनता को भी कश्मीर की सच्चाई पता चलनी चाहिए। यह फिल्म में कहीं ना कहीं देशभक्ति है, इस फिल्म को बिहार में टैक्स फ्री कर देना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के कद्दावर नेता MLC संजय मयूख, जरा आप वो सुनिए। विधान परिषद में मांग की कि जो द कश्मीर फाइल पिक्चर है, इस पिक्चर को बिहार में टैक्स फ्री किया जाए, क्योंकि हम पिक्चर कश्मीर के सच को बताता है, जिस सच को वर्षों से दबाया गया था। यह पिक्चर देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्म है और इस फिल्म में जिस तरह से कश्मीर को के सच को बताने का प्रयास किया गया है, इस सच से बिहार की जनता को रूबरू होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है और हमारे सदन के अनेकानेक सदस्यों का मानना है। इसलिए जिस तरह से अन्य प्रदेशों में इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है, बिहार सरकार को भी चाहिए कि इसको अविलंब टैक्स फ्री करे, क्योंकि 6 दिन बीत चुका है इस फिल्म के बिहार में लगे हुए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज ही इस पर हम विमर्श करेंगे और विमर्श करने के बाद सुखद परिणाम लाएंगे, तो इस सुखद परिणाम के प्रत्याशा में है। मुझे लगता है कि यह फिल्म जल्द से जल्द टैक्स फ्री हो। तो आपने सुना, बिहार विधान परिषद में भी अब द कश्मीर फाइल्स मूवी गूंजने लगी है टैक्स फ्री कर देना चाहिए, क्योंकि यह मूवी कश्मीर की सच्चाई को बताती है। संजय मयूख का मानना है कि बिहार की जनता को कश्मीर की सच्चाई जाननी चाहिए, यह मूवी में देशभक्ति है और जो देशभक्त हैं उन्हें यह मूवी देखना चाहिए। तारकिशोर प्रसाद ने भी आश्वासन दिया है कि जल्द इस पर विचार विमर्श किया जाएगा और कोई ना कोई निर्णय जल्द सामने लाए जाएंगे। मगर अब जिस तरीके से बिहार की सियासत द कश्मीर फाइल्स मूवी को लेकर गर्माती दिखाई दे रही है, राजद का कहना है कि द कश्मीर फाइल्स मूवी बिहार में टैक्स फ्री होने से पहले एक बार प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखना चाहिए और देखने के बाद अगर उन्हें लगे कि यह मूवी सच में बिहार की जनता को भी देखना चाहिए और इस मूवी में कश्मीर की सच्चाई बताई गई है, तो बेशक बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार टैक्स फ्री कर दे, पर पहले एक बार मूवी खुद देख लें। जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स को लेकर न केवल बिहार में, बिहार के बाहर पूरे देश में कहीं ना कहीं गूंज है द कश्मीर फाइल्स मूवी की, कई लोगों का कहना है कि द कश्मीर फाइल्स मूवी कश्मीर की सच्चाई बताती है, तो कई राजनीतिक नेताओं का मानना है कि यह मूवी कहीं ना कहीं देश की अखंडता पर तमाचा है। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज पटना।